अभी इसको ट्रिप लग रही थी तो ना ट्रिप जा नहीं रही थी तो अभी इसको फ्लश शिट 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 दर्द होता है ना फ्लश में थोड़ा सा जब मुझे भी पुश पुश मेरे बच्चों पुश 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 बस 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 बेटा बस अभी भी नहीं हो रही क्या हो गई ये ऐसे क्यों हो जाते हैं ये फ्लश क्यों करना होता है पेन में पतली होती है ना बच्चे की तो इसमें बहुत यूट्यूबर अरमान मलिक एंड कृतिका मलिक के बेटे जैद मलिक की तबीयत इस वक्त बेहद ही ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि 7 बजे इसकी रिपोर्ट्स कब आएंगी तो उन्होंने बोला मैम थोड़ी देर में आएगी 1 घंटे में बस रिपोर्ट्स का वेट कर रही हूँ मैं इसकी। बस ऊपर वाले से दुआ है कि ना इसका निमोनिया ना हो। और मैं यूट्यूबर अरमान मलिक एंड फैमिली ने अपने फैंस को अपने बेटे जैद की कंडीशन के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू बताया है। इसकी तबीयत बेटर है जैद की, अभी सो रहा है, बहुत ही मुश्किलों से सोया। ठीक है लक्ष्मी आती हूँ 1 घंटे में। ठीक है आराम से आप सो जाओ, 1-2 घंटे फिर आ जाना। क्या ये सब जैद का ख्याल ठीक से नहीं रखते? क्या कृतिका मलिक करती हैं जैद को निगलेक्ट? क्या उन्हें रखना चाहिए अपने बेटे का ख्याल क्योंकि उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसके बाद भी वो आ चुका है अब दोबारा से हॉस्पिटल? आपको क्या लगता है आप भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।